धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र का फेस बनने की रेस से बाहर हो गई है। जी हाँ, एक बार फिर सामने आ गया है कि माधुरी कैसे ऑर्गेनाइजर्स और ब्रांड प्रमोशनल कैंपेन डिजाइन करने वालों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी वजह है माधुरी की हद से ज्यादा अनफेयर डिमांड्स, और माधुरी की हाई डिमांड से इस बार डिसअपॉइंटमेंट किसी और को नहीं बल्कि रिपोर्टेडली खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हुई है। रिसेंटली खबर आई थी कि माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र की ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफर की गई थी, लेकिन अब पता चला है कि ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए माधुरी ने 9 to 10 crores की डिमांड्स कर डाली। इतना ही नहीं, अपने 21 डे स्केड्यूल के लिए 5-star होटल्स में अकोमोडेशंस के अलावा कई लग्जूरियस फेवर्स की डिमांड के बाद ये मामला खटाई में पड़ गया। सोर्सेज की माने तो स्टेट गवर्नमेंट माधुरी को महाराष्ट्र टूरिज्म एंड कल्चरल एम्बेसडर बनाना चाह रही थी, और इस डील को हैंडल करने वाले ऑफिशियल्स को अंदाजा था कि शाहरुख खान और आमिर खान की तरह माधुरी भी बिना कोई बड़ा अमाउंट चार्ज किए साइन कर देंगी, क्योंकि शाहरुख वेस्ट बंगाल का फेस बनने पर कोई बड़ी रकम नहीं ले रहे हैं, और तो और आमिर तो फ्री में ही अतिथि देवो भव कैंपेन का हिस्सा बन गए थे, पर माधुरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल माधुरी को सचिन तेंदुलकर के अवेलेबल ना हो पाने के बाद कंसिडर किया जा रहा था। रिपोर्टेडली सचिन 4 crore के अमाउंट पर स्टेट का फेस बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार भी हो गए थे, पर उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से सचिन का ब्रांड एम्बेसडर बनना पॉसिबल नहीं हो पाया। सचिन के बाद माधुरी को अप्रोच किया गया, लेकिन माधुरी की तरफ से आई सचिन तेंदुलकर के अमाउंट से डबल की डिमांड, और इसी ने सब गड़बड़ कर दिया। अब माधुरी दीक्षित को भले ही इस डील के हाथ से निकलने का मलाल ना हो, पर माधुरी के फैंस को जरूर इस बात का अफसोस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।